इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल याचिका को सुनवाई योग्य माने जाने और ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी 5 याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी। ये याचिकाएं ज्ञानवापी का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक तर्क था कि मुकदमा 1991 के पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम से वर्जित है। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद सुनवाई योग्य है और ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 से निषिद्ध नहीं है। आज जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा 5 रिट याचिकाएं दाखिल की गई थी उन सबको निरस्त कर दिया गया और जो लोअर कोर्ट का आदेश पारित किया गया है उसको एफर्म कर दिया गया। कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि यह जो वाद संख्या 610 सन 1991 है वह सेक्शन 4 प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 से बाधित नहीं है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद स्थल का व्यापक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया।